नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 19, जिसमें हम भिवानी जिले के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने भिवानी जिले के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है, जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। आप बस इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लेना, भिवानी जिले से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एचटेट, फायर ऑपरेटर, हरियाणा पुलिस एसआई, पटवारी, ग्राम सचिव, ठीक है। और अब आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी एजुकेशन गुरुजी नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और हमसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है स्थापना। तो भिवानी जिले की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। और इसी दिन सोनीपत जिला भी बना था, यानी सोनीपत और भिवानी जिले की स्थापना एक ही दिन हुई थी। और ये कौन से जिले बने थे? 8वें और 9वें। तो पॉइंट नंबर 2 है उपनाम। तो भिवानी के उपनाम हैं भिवानी, बियाणी, बियाणी। और भिवानी का नाम किसके नाम पे पड़ा था? ये पड़ा था राजा भवानी के नाम पे। और इससे अलग भिवानी को किस नाम से पुकारा जाता है? हरियाणा का काशी, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, ठीक है। ये सब किसके नाम है? भिवानी की। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 3 है मंडल। तो भिवानी किस मंडल में आता है? यह आता रोहतक मंडल में। और मैंने पहले भी बताया था कि रोहतक हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है और सबसे छोटा है फरीदाबाद। और हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 6। पहले कितने होते थे? 4। दो नए कौन से बने? करनाल और फरीदाबाद, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है विजेंद्र सिंह। ये क्या है? बॉक्सर। और इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1985 को, कहाँ पे? कालूवास गांव में, जो कि पड़ता है भिवानी में। और इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था। पॉइंट नंबर 5 है विकास किशन यादव। ये क्या है? बॉक्सर। और इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1992 को सिंधवा खास गांव में। और इन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, किसमें? बॉक्सिंग में। पॉइंट नंबर 6 है मनीष कौशिक। ये भी क्या खेलते हैं? बॉक्सिंग। और मनीष कौशिक ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल। पॉइंट नंबर 7 है नमन तंवर। ये क्या खेलते हैं? बॉक्सिंग। और इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1998 को। और इन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल। पॉइंट नंबर 8 है प्रमुख स्थल मेले, मंदिर व पर्यटन स्थल, ठीक है। सबसे पहले है योधे गणराज्य की मोहरें। ये कहाँ पे मिली थी? भिवानी के नौरंगाबाद में। देखो, महाभारत में युधिष्ठिर था तो उसके पुत्र का नाम था योधे, और उसी के राज्य को क्या कहा जाता है? योधे गणराज्य। आगे आपको इतना समझ में? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को साथ के साथ लाइक भी करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है रेड रोबिन रिसोर्ट। ये भी कहाँ पे हैं? भिवानी में। मित्ता थल, ये कहाँ पे हैं? भिवानी में। और यहाँ पर क्या मिले थे? सोने तांबे के सिक्के और समुद्रगुप्त काल के सिक्के और मोहरे, ठीक है। भीम स्टेडियम भिवानी में है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, ये भी भिवानी में है। और ये कब बना था? 2014 में। और इसके वाइस चांसलर कौन है? राजकुमार मित्तल। नेक्स्ट पॉइंट है चौधरी बंसीलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो बंसीलाल का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1997 को, कहाँ पे? गोलागढ़ गांव में, जो कि पड़ता है भिवानी में। और ये हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार बने 1968 से 75, दूसरी बार 1985 से 87 और तीसरी बार 1996 से 1999। और इन्होंने ही हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी ये? 1991 में। और 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की पहली सरकार आई थी, ठीक है। बात करें पढ़ाई की, चौधरी बंसीलाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जालंधर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बात करें शराबबंदी की, ये किसने कराई थी? चौधरी बंसीलाल ने। कब कराई? 1 जुलाई 1996 को। और फिर दोबारा से चालू कब हो गई थी? ये हो गई थी 1 अप्रैल 1998 को, यानी 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक शराब बंद रही थी हरियाणा में। और चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं और हरियाणा का निर्माता
और विकास पुरुष, ये तीनों किसको कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। और 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य किसने रखा था? चौधरी बंसीलाल ने। और ये केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री 1975 में, परिवहन मंत्री 1984 में और रेल मंत्री 1985 में रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है भूत मंदिर, ये कहाँ पे है? भिवानी में। सती का मेला कहाँ पे लगता है? भिवानी के खरक कला गाँव में। बिरला टेक्सटाइल, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में और इसको द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस भी कहते हैं। बया रिसोर्ट, स्टार मोनूमेंट, पृथ्वीराज की कचहरी, नौरंगाबाद, ये सब कहाँ पे हैं? भिवानी में। लोहारू का किला या गुम्बंद, ये कहाँ पे है? भिवानी में। और इसको किसने बनवाया था? ठाकुर अर्जुन सिंह ने 1570 में। लोहारू उत्थान योजना, ये कहाँ पे है? भिवानी में। और इसको इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। बाबा मुंगिप्पा का मेला, ये कहाँ पे लगता है? रिवासा गांव में, जो कि पड़ता है भिवानी में। HBSE यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसको समझिए क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट के डाउट हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। लेकिन उस समय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का संचालन पंजाब यूनिवर्सिटी में था। और बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहली बार एग्जाम कब लिया? ये लिया 1970 में। देखो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी 1969 में, लेकिन अलग से बोर्ड कब बनाया गया? 31 जनवरी 1970 को। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना अलग से कब की गई, तो आंसर आएगा 31 जनवरी 1970 को। देखो हरियाणा बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई थी चंडीगढ़ में, लेकिन नवंबर 1980 को इसको कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया? भिवानी में। अगर एग्जाम में नवंबर 1980 ना दे रखा हो तो आप निशान लगाओगे 1981 के। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BS आहूजा। और प्रथम सचिव विश्वनाथ आनंद। बात करें इस समय हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, वो हैं जगबीर सिंह। तो आ गया आपको समझ में? अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तोसाम धाम, ये कहाँ पे है? भिवानी में। शीतला माता का मेला, ये कहाँ पे लगता है? धनाना गांव में। और शीतला माता के मेले को मोटी माता का मेला भी कहते हैं, ठीक है। गौरी शंकर मंदिर, ये कहाँ पे है? भिवानी में। और इसको एक नाम से और पुकारते हैं, किसे? सेठ किरोड़ीमल मंदिर। रंगीशा मस्जिद, ये कहाँ पे है? भिवानी में। भिवानी नहर, ये भी कहाँ पे है? भिवानी में। और इसकी लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर। जुई परियोजना, ये भी कहाँ पे है? भिवानी में। और इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है मित्ता थल, इसकी खुदवाई कराई थी सूरज भान ने, कब? 1967-68 में। चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है? भिवानी के केरू में। नेक्स्ट पॉइंट है भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, इसकी लंबाई है 220 किलोमीटर। और इसको भिवानी नहर भी कहते हैं और इसके साथ वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं, ठीक है। और ये कितनी भूमि पर सिंचाई करती है? ये करती है 1 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है नागा बाबा का मेला, ये कहाँ पे लगता है? नवाराजगढ़ में। बाबा खेड़े वाला मेला, ये कहाँ पे लगता है? नौरंगाबाद में। और कब लगता है? रक्षाबंधन पर। परमहंस मंदिर, ये कहाँ पे है? तिंगड़ाना गांव में। और तिंगड़ाना गांव कहाँ पे है? भिवानी में। रोनात गांव, ये कहाँ पे है? भिवानी में। और इस गांव को शहीद गांव भी कहते हैं। और शहीद गांव क्यों कहते हैं? क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इस गांव पर तोपे चला दी थी, इसी कारण 20-21 औरतें अपने बच्चों समेत एक कुएं में कूद गई थी, इसलिए इसे शहीद गांव कहते हैं। और अगर पूछें रोनात का कुआं कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है? रोनात गांव में, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की महत्वपूर्ण बातें। भिवानी में पहली नहर शुरू हुई थी 1893 में, और वाटर वर्क्स की स्थापना हुई थी 1933 में। गंदे पानी की निकासी और पक्की नालियाँ कब बनी? 1935 में। और रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू हुआ था? 1881 में। और ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी रेवाड़ी से बठिंडा। और पहली रेल यात्रा कब शुरू की गई? 1883 में। और 1948 में डाकघर खोला गया था। और सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई थी 1957 में, किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। और ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना हुई थी 1968 में, किसने की थी? पंडित सीताराम शास्त्री ने। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन क्वेश्चंस की PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करें।
अगले वीडियो में हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सभी वीडियो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे हम आपके लिए जल्दी जल्दी बेहतर वीडियो बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।